आ चुके हैं इस हाथी पोल गेट पे, जो कि ये तमाम जो कि ये स्टेचू है ये बूंदी में ही ऐसा बनाया गया है। और मैं फ़िलहाल, आपने लास्ट वर्क मेरा देख ही लिया होगा जो कि बूंदी का है, बूंदी में ही यह विशाल जो कि गेट बनाया हुआ है। साथ में वहाँ पे भी ऐसे ही दो हाथी, जिसको हाथी पोल के नाम से जाना जाता है। और यहीं से आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, ये भी बहुत ही विशाल और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक स्टैचू जो कि बनाया हुआ है। ये देखिए आप, यहाँ पर जो कि सिर काट के जो कि दिया जा रहा है, यहाँ पर जो कि राजस्थानी संस्कृति का ही एक प्रतीक है, जो कि शायद पद्मावती ने ही या पन्नाधाई ने अपना सिर जो कि काट के दिया था। जो कि यहाँ पर नौ राष्ट्रों के यहाँ पर जो कि स्टैचू बनाए गए हैं, और यही से साथ यहाँ पर उन्हीं नौ देशों के यहाँ पर फ्लैग लगाए हुए हैं, जिसमें जापान, थाईलैंड और अमेरिका और साथ में चाइना जैसे देशों के यहाँ पर जो कि यहाँ पर फ्लैग लगाए हुए हैं, और साथ ही उनके स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं। जैसे आप देख लीजिए इस वाले स्ट्रक्चर को, ये है व्हाइट हाउस जो कि अमेरिका का है, और साथ ही यह वाला स्ट्रक्चर है जो कि थाईलैंड का है। और जैसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ, और रही बात ये अमेरिका का जो कि व्हाइट हाउस का स्टैचू है, और यहीं पे चलते हैं तो ये भी जो कि भाई मेरे पीछे देखो ये क्या ही स्टैचू, कितना शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल में है जो कि किसी अन्य देश में आ चुका हूँ। और ये देखे मेरे पीछे ये व्हाइट हाउस है, और साथ ही ये कि थाईलैंड का जो कि एक टेंपल है, वामा टेंपल शायद इसको जानते हैं इसी नाम से। आगे जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कैप्शन में कि यह कौन सा जो कि स्टैचू है। बाकी रही है आगे चलते तो ये जापान का एक स्टैचू है, जो कि जापान का जो यामा स्टैचू है शायद उसी का एक नाम है, तो ये जापान का एक स्टैचू है। और चलते हैं अभी फ़िलहाल आगे की तरफ, और यहीं से देखते हैं तो ये देखिए आप स्टैचू, जो कि नौ देशों के यहाँ पे स्टैचू बनाए गए हैं, साथ ही इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से उकारा गया है। हम जो देश है वो विश्व के जो सभी का जो फेस है वो कैसे दिखते हैं, उसी पे जो कि सभी को उकारा गया है यहाँ पर। तो तमाम देखिए आप यहाँ पर जो कि पूरे विश्व को जो कि इंडियन फेस से जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, तमाम जो भी मुख्य मुख्य फेस है तो उन्हीं को यहाँ पर दर्शाया गया है, और काफ़ी विशाल और काफ़ी बढ़िया दिखता है, काफ़ी खूबसूरत वाइड एंगल में कितनी अच्छी बनाई गई है इस जो अर्थ है, अर्थ के सिर में, और इसी के नीचे यहाँ पर बहुत ही अच्छा फाउंटेन यहाँ पर साथ में है। और ये रहा हमारा इंडिया गेट, जो कि ये भी यहाँ पर जो बनाया गया है वो भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। और यहीं पे आगे की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पर भी कुछ इंडियंस जो कि यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स वगैरह दिखाए गए हैं, जिसमें एक रामेश्वरम का जो कि ये टेम्पल है जो भी इंडिया का ही रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही जो कि वोटिंग की सुविधाएं थी यहाँ पर फ़िलहाल, जो कि फ़िलहाल तो अभी ये चालू नहीं है, क्योंकि यह सब जो है जो कि यहाँ पे आगामी जो कि मंत्री जी के दौरे और मुख्यमंत्री जी के माननीय जो दौरे हैं उसी के अंतर्गत अभी वोटिंग को यहाँ पर शेयर कराया जाएगा उनको, और इस चंबल रिवर फ्रंट का भ्रमण कराया जाएगा। बाकी आम जनता के लिए यह सुविधाएँ कुछ ही दिनों के बाद। यहाँ पर देखिए एक वाटरफॉल जो कि झरना बनाया गया है, जो कि मुकुट महल से जो कि पानी आता है उसको यहाँ पर जो कि बहुत ही सुंदर, और पानी की जो कलकल आवाज़ आ रही है वो मन को शांत कर देने वाली है। और यहीं पे रात में एक लाइट शो भी होगा, जो कि यहाँ पे लाइट लगाई हुई है वाटरप्रूफ, और साथ ही इसका पानी भी काफ़ी जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है, एक नीला सा। और बाकी ये रहा मुकुट महल का नज़ारा, और बाकी यह रही चंबल माता की मार्बल से बनी हुई मूर्ति। और साथ में आप देखिए ये विधायक गण के लिए कार्यक्रम के लिए बैठक व्यवस्था, और साथ ही ये है यहाँ के जो जो बिराज के जो गेट से एंट्री होने वाली है वो इस साइड से होने वाली है, और ये रहा लैंडमार्क सिटी कुनाड़ी की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर। और
बाकी बात करें यहाँ पर फाउंटेन की, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फाउंटेन है, और एक फाउंटेन यह रहा जो कि म्यूजिकल की साथ ही और म्यूजिक की धुन के साथ ही यहाँ पर अपना एक कार्यक्रम प्रस्तुत होगा इस म्यूजिकल फाउंटेन के द्वारा। और भाई ये रहा वो फाउंटेन जो कि जिसकी बात और चर्चा चल रही है पूरे कोटा में, क्योंकि बात कही इस फाउंटेन की तो फ़िलहाल अभी इस फाउंटेन को जो कि अभी दिन का समय है तो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह अभी यहाँ पर ऑन नहीं है, और बाकी बात करें म्यूजिक और बात करें यहाँ के इस फाउंटेन की तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है फ़िलहाल अभी देखने में यहाँ पर। ये देखिए भाई मेरे पीछे ये फाउंटेन जो कि कोटा फाउंटेन है, ये मुकुट महल के जस्ट सामने है। मेरे पीछे यह रहा होगा ये मुकुट महल, और इस मुकुट महल के अपोजिट साइड सामने ही यह जो फाउंटेन बनाया हुआ है जो कि म्यूजिकल फाउंटेन है, ये देखिए भाई बहुत ही शानदार बना हुआ है।